हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे बॉर्मल्स कॉस्ट डिजीजेस, या जिसे हम कहते हैं बॉर्मल इफेक्ट। तो जैसा कि स्लाइड में शो हो रहा है कि एक बच्चा है जो कि चौक गया है बिल देख के अपना हेल्थ केयर सेक्टर का। हेल्थ केयर का बिल उसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक या आप क्लोथ्स वगैरह देखते हो उनके प्राइस से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि बॉर्मल कॉज डिजीज का मतलब क्या है और ये क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बॉर्मल इफेक्ट है क्या? तो बॉर्मल इफेक्ट को हम बॉर्मल्स कॉज डिजीज भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे वेजेस इंक्रीज होती है इन जॉब्स दैट हैव एक्सपीरियंस लिटिल और नो इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू राइजिंग वेजेस इन अदर सेक्टर्स अदर जॉब्स दैट हैव एक्सपीरियंस प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। इनका कहने का मतलब ये है कि ये हमें ये इफेक्ट ये दिखाता है कि कई ऐसी जॉब्स में सैलरी को इंक्रीज किया जाता है जहां पर प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत मिनिमल लेवल पे हो रही है, लेकिन तब भी उनकी वेज इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी जॉब्स में लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तो देखा देखी इन लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, रेदर इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तब भी। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया बाय विलियम जे बॉमल ने इन 1960s। तो ये देखा गया कि कुछ सेक्टर्स में पर्टिकुलरली जो कि लेबर इंटेंसिव सर्विसेज हैं, यानी कि जहां पर लेबर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू कैपिटल, इन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी जो ग्रोथ है ना इन सेक्टर्स में जो कि लेबर इंक्लाइंड है, वहां पर बहुत स्लो है प्रोडक्टिविटी, और इवन स्टेगनेंट मतलब फिक्स भी हो जाती कि बढ़ी नहीं रही। जबकि जो वेजेस है इन सेक्टर की वो बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि वर्कर जो है इन जॉब्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वेजेस भी उन लोगों की तरह बढ़े या उस मार्केट की तरह बढ़े जहां पर ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है उनको देखा देगी। जैसे आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो उन लेबर्स की वेजेस बढ़ती रहती है। उन्हें देखा देखी अगर टीचर्स की या हेल्थ केयर में जो ये नर्सेज हैं इनकी भी सैलरी बढ़ रही है जबकि इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है अगर हम कंपेयर करें तो ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं बॉर्मल इफेक्ट, जिसमें लेबर इंक्लाइंड जो सर्विसेज है जिनकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है लेकिन उनकी वेजेस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वेजेस भी ना जहाँ पे बढ़ रहे हैं तो उनको देखा देखिए उनसे मैच होनी चाहिए, उनसे अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखा गया है सबसे पहले लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं जो कि स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दिखाते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं एजुकेशन हो गया हमारा, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा है वो हो गया। तो इन सेक्टर में ये देखा गया कि जो आउटपुट पर वर्कर है ना वो बढ़ता नहीं है, बढ़ता भी तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इन जो सर्विसेज है इनका नेचर है पर्सनल और ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप टीचर को ले लो तो टीचर स्पेंड करती है सेम अमाउंट ऑफ टाइम गिविंग अ लेसन टुडे एज दे डिड डिकेड बिफोर डिकेड्स अगो। मतलब जो टीचर अगर आज स्कूल में एक क्लास वो 45 मिनट्स की ले रही है एक टॉपिक पढ़ाने में, तो वो अगर आप पिछले 20 सालों पहले वाला डेटा भी देखेंगे तो उसमें भी वो टॉपिक को पढ़ाने के लिए वही 45 to 60 मिनट्स ले रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि टीचर का टाइम तो उतना ही लग रहा है, तो उनकी सैलरी क्यों बढ़ रही है इतनी तेजी से जबकि काम वही वो कर रही है, उनमें प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि पहले 10 साल पहले वो एक टॉपिक को 60 मिनट में पढ़ा देती थी और आज के टाइम में वो 6 मिनट में पढ़ा रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। जितना टीचर एक टॉपिक को पढ़ाने में पहले टाइम लेती थी वही आज भी ले रही है, तो उनकी सैलरी क्यों बढ़ रही है जब उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, दूसरे आते हैं प्रोडक्टिविटी ड्रिवन सेक्टर्स। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए आपके, टेक्नोलॉजी हो गए, तो ये सेक्टर जो है इनमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज दिखती है। जैसे ऑटोमेशन आ गई, हायर आउटपुट
विद फ्यूअर वर्कर्स को यूज करके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एक कंपनी पहले 50 यूनिट प्रोड्यूस करती थी एक घंटे में, आज के टाइम में वो ऑटोमेशन करके 500 कर रही है। तो वहां पर उनकी सैलरी बढ़ाना समझ आता है, लेकिन टीचर की सैलरी क्यों बढ़नी चाहिए जब उनकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर बढ़ रही है या बढ़ी नहीं। तो वेज इंक्रीज अक्रॉस सेक्टर्स। अब डिस्पाइट द लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, चाहे लो प्रोडक्टिविटी हो लेकिन उनकी जो वेजेस है ना वो कॉम्पिटेटिव रहती है, यानी कि उनकी वेजेस जो इंक्रीज होती है ना वो कॉम्पिटेटिव होती है, मतलब जो जहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उन सेक्टर के कंपैरिजन में ही उनकी भी वेजेस का ग्रोथ होता है। तो वेजेस राइज टू रिमेन कॉम्पिटेटिव विद सेक्टर जो जहां पे रैपिड प्रोडक्टिविटी हो रही है, जैसे उन लोगों की वेज बढ़ रही है तो मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर की भी उन्हीं तेजी से वेजेस बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर का वेज इस राइज होता है क्यों, ओवर टाइम क्यों बढ़ता है, क्योंकि वर्कर जो दूसरी इंडस्ट्री में है जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है वो ज्यादा अर्न करते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो टू प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम लीविंग लेबर इंटेंसिव जॉब्स, कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो छोड़ ना जाएं, इसलिए हम उनकी कंटिन्यूअसली हम भी सैलरी बढ़ाते रहते हैं इवन दो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं दिखता। अब ले आप देखो तो टीचर्स की सैलरी पिछले 10 सालों में इतनी इंक्रीज हो चुकी है जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन सैलरी क्यों इंक्रीज हो रही, कि अगर हम सैलरी ज्यादा नहीं देंगे ना तो कोई भी टीचिंग प्रोफेशन को चूज नहीं करेगा, सारे वहां जाएंगे जहां पे सैलरी ज्यादा हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी मतलब स्कूल्स में अच्छी सैलरी देती है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा देता है, क्यों, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी या एक रहे लोगों के लिए। अगर तुम सैलरी नहीं दोगे तो कोई भी आके खुश होगा ही नहीं, ना कोई हेल्थ सेक्टर में जाएगा, ना कोई एजुकेशन में जाएगा, ना कोई किसी इनमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कोई जाना पसंद नहीं कर। आगे चलते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हेल्थ केयर में अगर हम देखते हैं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है मानते हैं, बट द एसेंशियल जो वर्क है वो डॉक्टर्स का ही रहता है, ये डॉक्टर ही करेगा, नर्स ही करेंगी, केयर गिवर्स रिमेन लेबर इंटेंसिव। तो ये तो लेबर इंटेंसिव ही है, कोई ऑपरेशन करना तो डॉक्टर ही चाहिए हमें, नर्सेज ही चाहिए, वो कोई ऑटोमेशन नहीं कर देगा, तो लेबर इंटेंसिव हो गई। डिस्पाइट मिनिमल प्रोडक्टिविटी, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होती है नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके जो वेजेस है वो कॉम्पिटेटिवली होते हैं दूसरे सेक्टर से, जिससे हेल्थ केयर कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर लूं कि कोई बंदा मान लो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है, क्योंकि जो टाइम एक कंसर्ट या प्ले को करने में, अगर तुम्हें पहले 1 घंटे का प्ले होता था तो यूं तो है नहीं वो प्ले आज 5 मिनट का होगा, तो 1 घंटे का प्ले है तो वो 1 घंटे का प्ले ही रहेगा। तो आपकी कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आप 10 साल पहले भी 1 घंटे का प्ले कर रहे थे, आज के टाइम पे भी वो प्ले 1 घंटे का ही हो रहा है, तो कुछ आपने कुछ ऐसा तो नहीं करा। तो फिर भी जो पैसे चार्ज करते हो वो डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, अ स्ट्रिंग क्वार्टेट स्टिल रिक्वायर द सेम नंबर ऑफ म्यूजिशियन, यू भी नहीं आपको म्यूजिशियन कम चाहिए, मान लो कुछ हो रहा है तो म्यूजिशियन भी आपको उतने ही चाहिए, तो लेकिन आपका पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरे सेक्टर में प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसको देखा देखी इधर भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई आके खुश नहीं होगा। आगे चलते हैं, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ जाती है, जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगी इन लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में तो ऑफकोर्स है, अगर टीचर्स में हम टीचर्स को हायर सैलरी दे रहे हैं स्कूल में तो ऑफकोर्स है उनकी एजुकेशन का खर्चा जो पेरेंट्स को बियर करना पड़ता है वो बढ़ेगा। पहले स्कूलों में फीस कितनी होती थी, बहुत कम होती थी, आज के टाइम में डबल ट्रिपल क्यों हो रही, क्योंकि टीचर्स ही इतने एक्सपेंसिव हो रहे, तो उनकी कॉस्ट कहाँ से निकलेगी, पेरेंट्स से ही तो निकलेगी। सिमिलरली हेल्थ केयर में आप देखोगे तो हेल्थ में आजकल इतने महंगे ऑपरेशन और ये इतने चार्जेस क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स महंगे हो रहे हैं, डॉक्टर्स की फीस ज्यादा होने लग गई है। ऐसे ही लाइव एंटरटेनमेंट टेंड टू राइज फास्टर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर हाई प्रोडक्टिव, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार्स, इनके इतने प्राइस नहीं बढ़ रहे इतने सालों में जितने एजुकेशन, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट में जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जितनी मतलब हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर में हो रही है उसको देखा देखी यहाँ पे और ज्यादा हो रही है, अदरवाइज कोई यहाँ पे आएगा।
अब देखिए गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, जो कि फंडेड होता है या सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट। तो बॉमल्स की कॉज डिजीज यही है कि हायर पब्लिक स्पेंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि वेजेस ज्यादा बढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, और गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपका हेल्थ केयर और एजुकेशन में होता है। फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेंड्स के देखें तो ओवर टाइम अगर हम देखें तो बॉमल का इफेक्ट ये दिखाता है कि जो ज्यादा शेयर है ना हमारी नेशनल इनकम का, वो इन्हीं चीजों में, लेबर इंटेंसिव सर्विसेज में ही खर्चा हो जाता है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में हर साल गवर्नमेंट इतना परसेंट अपने पूरा जो फंड है उसका लगाती है कंपेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इवन दो जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट दिखेगी, फिर भी हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, जो कि एक ना के बराबर इम्प्रूवमेंट देता है, स्टेगनेंट भी हो जाता है कई बार। तो क्रिटिसिज्म जब आए उन्होंने कहा कि वाइल द बॉमल इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि कॉस्ट बढ़ रही है लेबर इंटेंसिव सेक्टर की, लेकिन इन्होंने ये अकाउंट नहीं करा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आई है जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है इन फील्ड्स की। अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन एजुकेशन इवेंचुअली इम्प्रूव करी है प्रोडक्टिविटी को हेल्थ केयर और एजुकेशन में। अब ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो इससे हम कह सकते हैं कि बॉमल इफेक्ट जो है वो कम हुआ है। तो आप पूरा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि सब कुछ खराब किया है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इन दोनों चीजों में भी फर्क आया, टीचिंग और हेल्थ केयर में। तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि बॉमल इफेक्ट हाईलाइट करता है जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की, जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। मेन थिंग ये है कि आप खर्चा कर रहे हो वो चीज सही है, बट बिना प्रोडक्टिविटी के हमारा बस खर्चा ही इंक्रीज हो रहा है। वो एक दिक्कत है कि एक जगह हमें दिख रही है कि हर साल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें तो हम ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, वो चीज समझ आ रही है। लेकिन आप वही चीज 10 साल से चला के आ रहे हो, लेकिन वेज आप हर साल ज्यादा ले रहे हो। वो ही दिखाता है कॉस्ट डिजीज की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सेक्टर जो हेल्थ केयर इंश्योर सॉरी हेल्थ केयर एजुकेशन है या आर्ट्स के हैं, वो क्यों इतनी जल्दी जल्दी कॉस्ट इंक्रीज करते हैं डिस्पाइट उनमें प्रोडक्टिविटी का गेन नहीं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव वेजेस लेते हैं कंपेयर टू मोर प्रोडक्टिव सेक्टर, जहां पे मोर प्रोडक्टिव सेक्टर की जैसे जैसे वेजेस बढ़ रही हैं तो वो लोग भी उतनी वेजेस को डिमांड करते हैं। तो एज ये स्पाइरल बनता है कि देखा देखी हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, एंड दैट्स इस टाइप का स्पाइरल बन जाता है कि वहां पर बढ़ी है तो हमें भी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% इंक्रीमेंट किया तो हमें भी 5% तो चाहिए ही चाहिए। लेबर इंटेंसिव वाले ये कहेंगे अदरवाइज हम भी नहीं आएंगे यहाँ पे। तो दिस इज द प्रोसेस जिससे एक वेज प्राइस स्पाइरल बन जाता है कि एक बार इंक्रीज हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और ये साइकिल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो दैट्स इट, इसमें यही था बॉमल इफेक्ट में। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।